बहुत अचंभित बात है कि भारतवर्ष में एक तरफ होली का पर्व है और एक तरफ कोरोना का कोहराम है, और इस बीच लोग डरे हुए हैं। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हाफ सेगमेंट में हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है डॉक्टरों का, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल वायरस है, इसमें भी बहुत भयंकर भयंकर वायरस भारत ने देखे हैं, लेकिन इस वायरस से जूझने के लिए भी भारत तैयार है और इसके लिए लगातार प्रिवेंटिव मेजर्स इन्होंने बताया कि आप नॉर्मल N95 ही मास्क के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मास्क भी आप लगा सकते हैं, सैनिटाइजर आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा दूर रहिए और डॉक्टर से सीधे कंसल्ट करिए अगर आपको लगता है कि वायरस आपके ऊपर अटैक किया है, या बदलता मौसम अगर आपको इफेक्ट कर रहा है, सर्दी जुखाम या बुखार नॉर्मल आपको हो रहा है, या निमोनिया जैसे आपको बीमारियां आपको लग रही हैं। सौरभ जी, एक चीज और है, यहां पर एक चीज आई कि नॉनवेज से हो सकता है कि वायरस इफेक्ट कर रहा हो, जिसको लेकर भारत सरकार ने भी नॉनवेज के बहुत सारे ऐसे दुकानें जिन्हें बंद कर दिया, और उन्होंने कहा कि अब लाइसेंस लेकर ही या लाइसेंस दिखाकर ही उन्हें नॉनवेज की दुकानें खोली जा सकती है। एक तरफ होली का त्यौहार भी है और एक तरह से जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा बोला जा रहा है उसमें लोगों के अंदर जरूर डर की भावना जो है वो उत्पन्न होती हुई भी दिखाई पड़ रही है। देखिए, कोरोना वायरस का डेफिनेटली एक एनिमल ट्रांसमिशन का एक एनिमल सोर्स है, क्योंकि हाँ। चाइना में भी इसी तरह से हुआ था, वहां पर भी देखा गया कि जो सी फूड खा रहे थे या जो भी नॉनवेज ईटिंग पॉपुलेशन थी उनमें ज्यादा हो रहा था ये, और उसके बाद फिर वो और ट्रांसमिशन हो रहा था। लेकिन अगर आप ये जो नॉनवेज का जो कॉन्टैक्ट है, अगर आप अनकुक्ड रॉ मीट या जिसको कहते हैं जो कच्चा मांस होता है, अगर उससे आपका कॉन्टैक्ट हो रहा है तब उससे प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर आप उस चीज को प्रॉपरली कुक करके खा रहे हैं तो उसमें कोई कोई ट्रांसमिशन का कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल। एक चीज और है यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि ड्रॉप फूड और ये चाइना से, क्योंकि ये वायरस आया हुआ ओरिजिन उसका वहां से हुआ है, चाइना की बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आई है कि ये नॉनवेज से, कि ये मांसपेशियों से मांस से उत्पन्न हुआ है, कहीं ये आया है कि चमगादड़ के रस से या जूस पीने से कुछ ऐसा आ गया है, कहीं ये आया है कि जीविका से ये चीज उत्पन्न हुई है। एक्चुअल में क्या चीजों से ये वायरस ओरिजिन कहां से हुआ है, ये बातें क्लैरिफाई नहीं हो पाया। और जैसा मैंने अभी कहा कि 21 चीजों पर अभी भी चाइना जो है लगातार रिसर्च कर रहा है कि एक्चुअल में ये वायरस कहां से ओरिजिन हुआ है, तो लोग इसमें भी कंफ्यूज हैं कि ये वायरस हुआ ओरिजिन इसका कहां से हुआ है। जवाब मैं देना जी, देखिए हमारे यहाँ वायरसेस में एक जूनोटिक वायरसेस होते हैं, ग्रुप है जूनोटिक वायरसेस का, जो कि आपके डोमेस्टिक एनिमल्स में कुछ पाए जाते हैं, कुछ आपके वाइल्ड एनिमल्स में पाए जाते हैं, वो उसी में सर्कुलेट करते रहते हैं। तो आपको ह्यूमन का जब तक कॉन्टैक्ट नहीं होता तब तक कोई थ्रेट नहीं होती है। आपने सुना होगा बर्ड फ्लू का नाम सुना होगा, आपने स्वाइन फ्लू का नाम सुना हुआ होगा, जहाँ पे जब एक एनिमल टू एनिमल के बीच में कभी ह्यूमन आ जाता है तो वो एक्सीडेंटल होस्ट होता है एक्चुअली। तो वो ह्यूमन के लिए वो वायरस नहीं बना होता, वो वायरस सर्कुलेट कर रहा होता है एनिमल्स में जिसमें वो इतना डेडली नहीं होता, बट अगर वो एक्सीडेंटली ह्यूमन में आ जाता है तब वो उसका कई बार बहुत ही सिंपल होता है, कई बार खतरनाक होता है। तो ये कुछ वायरसेस ऐसे हैं जूनोटिक साइकिल में, लाखों वायरसेस ऐसे, मोर देन 4 लाख वायरसेस हैं जो कि आपके विभिन्न विभिन्न प्रकार के एनिमल्स में है, बट हम लोग उन एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में ज्यादातर डोमेस्टिक एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो उस बट अगर जैसे इस कंडीशन में बोला जा रहा है बैट्स है, तो इंडिया में तो लोग ज्यादातर बैट से कॉन्टैक्ट में नहीं आते, लेकिन चाइना में क्योंकि वो लोग ये चीज खाते हैं और वहां पे रॉ खाना का कच्चा खाना खाने की उनकी परंपरा है, तो ये थ्रेट बहुत एक्चुअली में बढ़ जाता है कि कोई भी वायरस नहीं, आज की डेट में हम कोविड की बात कर रहे हैं, कल उत्तम किसी और वायरस की बात कर रहे होंगे कि वो भी आ सकता है। और इसी के साथ ही सतीश जी, क्योंकि बिल्कुल सही है, ये वायरस उतना ज्यादा भयानक मुझे नहीं लग रहा जितना आप लोगों के साथ डिस्कशन हो रहा है, जितना इसको भयावह बना दिया गया, जितना लोग इसको ले रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा। और इसके साथ ही सतीश जी, एक चीज और है कि सैनिटाइजर मास्क के साथ ही मैं चाहती हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा, मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि योगा और एक्सरसाइज इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और कौन सा योगा, क्योंकि अभी ये मैं राजेश जी, सतीश जी के बाद आपसे आऊंगी, क्योंकि आपके साथ मेरा बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है और राजनीतिक टिप्पणी पे ही है वो, तो वो रिएक्शन मैं आपसे लूंगी। फिलहाल सतीश जी, आपसे ये रिएक्शन लेना चाहती हूँ मैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए हम कैसे बचने की कोशिश करें, कैसे हम बचें, हम किन किन लोगों को ये ज्यादा कोरोना वायरस किन पे अटैक कर सकता है। खासतौर से ये देखा जा रहा है जो लोग पहले से कोमॉर्बिड हैं, जिनकी इम्यूनिटी पहले से इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड है, पहले से लो है, फॉर एग्जांपल जैसे जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं, जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, जो मालनरिश्ड लोग हैं, इन लोगों में चूंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है तब वायरस पहले ही नहीं अटैक करता है, ये लोग ज्यादा रिस्क पे होते हैं।
खास तौर से इन्हीं लोगों को प्रिवेंशन की जरूरत है और इन द केस एक बार मान लिया इनमें आ गया हो गया पॉजिटिव पाए गए तो इसके लिए हमें दो तीन तरीके के सिम्टम इसमें आ सकते हैं। एक तो नॉर्मल सिम्टम आ सकता है जिसमें निमोनिया भी नहीं हुई है लेकिन फीवर आ रहा है, सर्दी जुकाम शुरू हो गई, खांसी आना शुरू हो गई है, तो उनके लिए कुछ ड्रग्स अभी जो दी जा रही हैं उसको मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि उसमें अभी क्लोरोक्विन 500 मिलीग्राम सुबह शाम अगर 5 दिन के दिया जाए उसके साथ ही ओसेल्टामिविर जो एंटीवायरल ड्रग है उसको 150 मिलीग्राम सुबह शाम दिया जाए 5 दिनों तक तो हम इसके लक्षणों से हम राहत पा सकते हैं और इसमें हम निगेटिव फिर जांच में आ सकता है। लेकिन इन द केस अगर ये फिर नॉर्मल सिम्टम से और आगे जाता है, सिम्टम और भयानक सिम्टम इसके होते हैं, निमोनिया वाले सिम्टम आने लगते हैं जिसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लग रही है, तो इसी कोर्स को हमें 10 दिन तक फिर आगे बढ़ाना होता है। तो ये चीजें हैं लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जिन लोगों को नहीं हो रहा है हम कैसे बचे उसके लिए प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा मेजरमेंट है। उसके लिए हम कोशिश करें बाहर जहां भीड़ भाड़ वाले प्लेस है वहां पे हम ना जाएं, हम अस्पताल जा रहे हैं तो वहां की चीजों को ना छुएं, और अगर हम घर पे लौट के वापिस आ रहे हैं तो अपने हाथ को हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हम उसको वॉश करें, लोगों से हाथ ना मिलाएं। अभी हम जैसे कि हमारे इंडिया में परंपरा है कि हम दूर से ही नमस्ते करते हैं हाथ जोड़ करके, हमें अपने पुराने कल्चर पे वापिस आना होगा, हमें हैंड शेकिंग नहीं करनी होगी क्योंकि कॉन्टेक्ट से बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो कोशिश मेरी ये रहेगी आप लोगों को बताने की हैंड शेक अभी ना करें। आपने कही सतीश जी की जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है इस पे डायरेक्टली इनका वायरस का इफेक्ट हो रहा है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए क्या करें? हाँ, वही चीज मैं फिर आऊंगा उसी पे। इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए आपने जैसे कहा कि योगा है, योगा मॉर्निंग वॉक अगर हम करते हैं या मॉर्निंग में योगा करते हैं हम वहाँ उसमें ग्रीन और क्लीन एयर होती है तो उसमें जो हम क्लीन एयर लेते हैं जो प्रदूषण रहित है सुबह के टाइम जिसमें मोटर गाड़ियां वगैरह नहीं चल रही हैं तो उस समय क्या होता है कि शुद्ध ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा रही है तो जाहिर सी बात है हमारा ब्रेन हमारा बॉडी हेल्दी होगा तो हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगी। तो सभी लोगों से ये के लिए है कि योगा जरूर करें, मॉर्निंग में करें और एक हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट में खास तौर से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स को ज्यादा लेना है जैसे विटामिन ई विटामिन सी हमारे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हैं, इनको हम जरूर कंज्यूम करें, खाली पेट ना रहें, व्रत वगैरह भी ना रखें और भी अब जो हेल्दी डाइट्स हैं उनको सुबह शाम दोपहर फ्रीक्वेंट डाइट्स लेते रहें जिससे कि इम्यूनिटी आपकी मेंटेन रहे और आप कल्प्रिट ना बने इस वायरस के। ठीक है, और राजेश जी जैसे मैंने कहा था राजनीतिक टिप्पणी आपसे है और है भी इसमें इन्वॉल्व, नमस्ते से जैसे अभी सतीश जी ने कहा कि पुराने कल्चर को हमें वापस लाना पड़ेगा और हैंड शेक ना करके हमें नमस्ते करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज ये मानी जा रही है, इसमें एक चीज कल टिप्पणी आई थी कि राहुल गांधी को नमस्ते से भी प्रॉब्लम है और जिस तरह आपने बोला कि इटली से 16 लोग आ चुके हैं पहले वो पहले आ चुके हैं, इससे भी धनखड़ साहब ने संसद में खड़े होकर इस पे बोला कि इटली से जो लोग आए हैं उन्हें स्क्रीनिंग करानी चाहिए अपनी, लेकिन इसको भी लेकर सियासत की गलियारों में बवाला मचाया गया है। जी, जैसा कि डॉक्टर सतीश ने कहा कि जितना हो सके हमें जो भी इन्फेक्टेड है या जिसमें इन्फेक्शन होने की संभावना है ऐसे व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए क्योंकि वायरस इंडिया में तो है नहीं, यहाँ से बाहर से आया है, तो ऐसा व्यक्ति जो या तो विदेश यात्रा से भी होकर आया है या विदेश यात्रा करने वाले लोगों के संपर्क में बना रहा है वो एक पोटेंशियल या बोले तो संभावित सोर्स हो सकता है आपके इन्फेक्शन के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों से यदि आप दूर से नमस्कार करेंगे हाथ नहीं मिलाएंगे तो वाकई आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात जो आप कह रही थी श्रुति जी कि जो लोग इटली से लौट कर आए थे उनमें पहले इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है और राहुल गांधी जी भी लौट के हैं उनका भी होना चाहिए था ऐसा लोगों ने डिमांड करी है। देखिए ये एक स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है किसी का भी, और यदि सरकार को लगता है कि किसी जो यूनिफॉर्म स्क्रीनिंग होनी चाहिए सबकी वैसे उनकी भी होनी चाहिए यूनिफॉर्म स्क्रीनिंग, कोई भी व्यक्ति अपने समाज के लिए अपने देश के लिए बनाए गए कानून कायदों से ऊपर नहीं होता है तो ये सभी के साथ होना चाहिए, इसमें कोई विशिष्टता वाली बात नहीं है। इसके लिए कोई अलग से मेडिसिन आप लोग प्रेफर कर रहे हैं या इसके ऊपर अभी जिस तरह डॉक्टर शीतल ने कहा कि इसके ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं KGMU में अलग से कोई मेडिसिन है, और जिस तरह सतीश जी ने कहा कि नहीं पैरासिटामोल हम स्टार्टिंग में दे रहे हैं जिसको इसको थोड़े स्टेजेस के लिए एक दो दिन के लिए हम इसको टाल सके उसके बाद फिर आप लोग टेस्ट करते होंगे जैसे रिजल्ट आते होंगे उसके आगे फिर आप मेडिसिन प्रेफर करते होंगे।
मेडिसिन श्रुति जी अभी वायरस के लिए कोई अभी, अभी कोई मेडिसिन नहीं है, बट ये कुछ मेडिसिन जो पहले वायरस जो डिजीज आई है सास उमर जिन पे हम ट्रायल कर चुके हैं जिनसे हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं उन्हीं को हम इसमें ट्राई कर रहे हैं, जिसमें मेन मेडिसिन जो भी ट्राई हम लोग कर रहे हैं उसमें रेमडेसिविर है और गैलेडेसिविर है, लोपिनाविर है और जो क्लोरोक्विन ड्रग है, इन सबको हम ट्राई कर रहे हैं। इसे गुड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, जबकि इसका इफेक्ट ये रहा है कि अभी चाइना में जो जहां पर करीब 90,000 से ज्यादा लोग ग्रसित हो चुके हैं जिनमें पॉजिटिव केस पाया गया है उसमें 44,000 को हम ठीक भी कर चुके हैं इन्हीं सब ड्रग के बेसिस पर, बट ये कि डेफिनेट अभी कोई ऐसा हम ड्रग अभी नहीं सर्च कर पाए ना ही कोई वैक्सीन, बट वैक्सीन भी अंडर ट्रायल में भी है। उन वैक्सीन में INO-4800 ये वैक्सीन ट्रायल में चल रही है, S1 ट्राइमरिक वैक्सीन चल रही है वैक्सार्ट और दूसरी वैक्सीन के नाम मैं बताना चाहूंगा उसमें है लिरोनिलमैब एक करके विटामिन है, ये विटामिन हम सॉरी वैक्सीन अंडर ट्रायल में कर रहे हैं। लेकिन कोई भी वैक्सीन को मार्केट में आते आते बहुत समय लग जाता है, एक साल से भी ऊपर लग जाता है, कई सारे ट्रायल से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल, और उस दौरान इसको बचाने के लिए आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बिल्कुल तैयार है, मतलब आपको लग रहा है कि अगर ये एंट्री क्योंकि भारत में कर चुका है ये तो फिलहाल तो, हाँ। फिलहाल तो श्रुति जी देखिए क्योंकि हाँ। इस वायरस का भी कोई जिसे हम बोले कि मुकम्मल इलाज या जिसे बोले हाँ। सही दवा हाँ। क्योंकि अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि बिकॉज ये भी एक RNA वायरस है और HIV भी एक RNA वायरस है तो कुछ प्रोटीज इनहिबिटर्स हैं जिनका थाईलैंड में और अमेरिका में लोग ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई बहुत जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एविडेंस मतलब सटीक सबूत नहीं मिला है कि हाँ ये वाकई इस पे काम करती हैं। तो शुरुआत में अगर जानकारी है और आप इससे बच सकते हैं तो यही इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है, और यदि अगर फीवर हो जाता है ये वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट मतलब जो बाकी शरीर के अंग हैं वो सुचारू रूप से कार्य करते रहें इस प्रकार का सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। पैरासिटामोल एक बहुत ही सेफ मेडिसिन होती है बुखार के लिए, इससे बुखार कम तो होता है लेकिन इसके साथ साथ शरीर में जो प्लेटलेट होती है। लेकिन एक चीज और है राजेश जी, जैसे आप बोल रहे हैं और इसको बहुत सारे लोग दर्शक देख रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें फीवर हो वो समझ ले कि नहीं हाँ डॉक्टर साहब ने पैनलिस्ट में डिस्कशन हुआ था तो हम सीधे पैरासिटामोल ले लो, कहते नहीं आप सही हो गए, तो ये भी चीज है। नहीं नहीं, देखिए श्रुति जी कोरोना वायरस से पहले भी डेंगू का चिकनगुनिया का हाँ। कई प्रकार के वायरस आते रहे हैं, हम लोग डिस्कशन करते रहे हैं और हर बार हम लोग डिस्कशन में यही बोला है कि अगर आपको फीवर आ रहा है जिसकी वजह अननोन फीवर है, आपको नहीं पता हाँ। कि वायरस से है, बैक्टीरिया से है हाँ। इन्फेक्शन से किसी वजह से, अगर आप फीवर से परेशान है फीवर कम करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर राहत के लिए आप एक दो खुराक दवा पैरासिटामोल की ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, ये सेफ है। मोरओवर जो कोरोना वायरस का जो एक सस्पेक्टेड केस की जो एक डेफिनेशन हम लोगों ने बनाई है उसमें जब तक कि हमें कोई और इटियोलॉजी मतलब और किसी कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का एजेंट का पता नहीं चलता है, अगर हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि फीवर का कॉज क्या है उस मरीज में तब हम उसको सस्पिशियस केस कोरोना का मान रहे हैं, हम हर केस को कोरोना नहीं मान सकते। ओके ओके, मतलब साथ में बैकग्राउंड हिस्ट्री भी होनी चाहिए, ट्रैवल की हिस्ट्री हो अगर उसकी। और ये जो आइसोलेशन वार्ड में सौरभ जी आप लोग रखते हैं पेशेंट को जो कोरोना वायरस से सस्पेक्टेड होता है, उस आइसोलेशन वार्ड में आप रख के उन्हें सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स देते हैं और ताकि वो लोगों के संपर्क में ना आए, इसी वजह से कि अलग से ट्रीटमेंट उनका कुछ अलग से। आइसोलेशन दो टर्म्स होते हैं, आइसोलेशन और क्वारंटीन। क्वारंटीन हम हेल्दी इंडिविजुअल्स की करते हैं, आइसोलेशन हम लोग जो सस्पेक्टेड केस होते हैं वो उनकी करते हैं। okay. तो जो सस्पेक्टेड जो केस ऑलरेडी हमें पता चल चुका है या जो सस्पेक्टेड है उसमें हम प्रिवेंशन फिर कुछ नहीं कर सकते। क्वारंटीन को हम लोग क्वारंटीन के जो पेशेंट्स हैं या जो इंसान है उनको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। जो सस्पेक्ट जो आइसोलेशन कर रहे हैं उनको हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल जो और डिस्कशन जो भी पैनलिस्ट ने बताया पैरासिटामोल दे सकते हैं, और भी जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है जो भी अवेलेबल है वो हम सब प्रोवाइड कर सकते हैं। आइसोलेशन वार्ड में नेगेटिव प्रेशर होता है तो खास करके ये कोरोना वायरस के लिए तो आइसोलेशन वार्ड जो होता है कोई भी जगह को आइसोलेशन वार्ड नहीं बोल सकते कि आपने बना दिया कोई आइसोलेशन। आइसोलेशन वार्ड की भी गाइडलाइंस है, मानक है कितने एयर चेंजेस हो रहे हैं उसमें, 10 से 12 एयर चेंजेस होने चाहिए, नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए। आइसोलेशन वार्ड बना है उनके लिए जिनको कोरोना वायरस डिटेक्ट हो चुका है, लैब कंफर्म हो चुके हैं या क्लिनिकली डायग्नोज हो चुके हैं। क्वारंटाइन तो घर पे भी पेशेंट रह सकता है, 28 से लेकर 14 दिन के लिए घर पे रहेगा जिसमें वो मास्क लगा के रहेगा और कम किसी भी और व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। ओके ओके, और सतीश राजेश जी आपको लग रहा है कि बिल्कुल गवर्नमेंट से आपको पूरी तरीके से यहाँ पे बचने के लिए बचाने के लिए जितने भी मेजर्स लेने चाहिए जितने भी एक्शन लेने चाहिए वो गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं? फिलहाल तो श्रुति जी अभी तो
दो तीन दिन तो ऑब्जर्वेशन में देखना होगा हम लोगों को कि ये वायरस किस तरह से इस नए एनवायरनमेंट में बिहेव करता है। देखिए जैसे कि डॉक्टर शीतल वर्मा जी बोल रही थी, हर एक वायरस जो होता है वो उस पर्टिकुलर एरिया का होता है, उस जियोग्राफिकल एरिया का होता है, और जिसमें से कुछ जूनोटिक होते हैं जो एक्सीडेंटली आप ह्यूमंस में आ जाते हैं। तो देखने वाला होगा, क्योंकि हम लोग एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, हमारे यहाँ का एवरेज टेम्परेचर गर्मियों के टाइम पे 40-45 के आसपास पहुँच जाता है। तो यदि इस प्रकार से वातावरण में तापमान का बढ़ना जारी रहता है, धूप बढ़ती है, तो ये जो वायरस है ये भारत में कमजोर पड़ जाएगा, इसके फैलने की आशंका कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो वातावरण की परिस्थितियां हैं इसके अनुकूल नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का मैं ट्रेंड देखता आ रहा हूँ कि पहले चाइना में हुआ, फिर ईरान में, फिर इटली में, फिर उसके बाद अमेरिका में, और उसके बाद जापान में बहुत तेजी से हुआ, साउथ कोरिया में हुआ, इवन जापान में सारे स्कूल्स बंद हैं, जर्मनी ने अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। तो मुझे लगता है हम अगर जैसे आप प्रोटोकॉल बाकी के देश फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से फॉलो करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि हम भगवान भरोसे बैठे हैं और ये जो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे आयुर्वेद में, हमारे होम्योपैथ में हर चीज का उपचार है, रामबाण है। तो हम लोग, मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोग तर्क शक्ति के, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग और जो प्रैक्टिकल मेडिसिन है उसके हिसाब से काम करें, ना कि भगवान भरोसे बैठे रहें, क्योंकि इसमें अभी सावधानी ही बचाव है। और सरकार को चाहिए कि जो जनसंपर्क के माध्यम है, जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, आपका जो रेलवे स्टेशंस होते हैं, बस स्टेशंस होते हैं यहाँ पे, और जो आपका जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जहाँ पे जो सरकार के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो प्रधानों से संपर्क में रहते हैं, उस पर प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि लोग जागरूक हो और भय में न रहें। हाँ। अज्ञानता भय का कारक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सतीश जी, मुझे ये लगता है कि जिस एनवायरमेंट की बात आई, हर एक वायरस का एक एनवायरमेंट होता है जिसमें वो सर्वाइव कर पाते हैं। ये भी इशू उठा था कि ये जो वायरस है कोरोना वायरस, ये विंटर सीजन में जिसका टेम्परेचर कम होता है उस पर ज्यादा जल्दी सर्वाइव करते हैं, भारत में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्च में जो टेम्परेचर चल रहा है वो 16-17-18 ऐसे चल रहा है, और अप्रैल आते आते ये 25-30 पहुंच जाता है, तो इसलिए उस टाइम तक वो सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो बदलता हुआ मौसम है, 2-3 दिनों से ओलावृष्टि हुई है, इसमें तो मुझे लगता है ये वायरस बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा होगा। हाँ, देखिए एक मैं ये भी बात कहूंगा कि अभी मैं कुछ दिन पहले एम्स में गया था। हाँ। वहां पर उन्होंने, गवर्नमेंट ने बहुत सी मीटिंग्स करके डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा वार्ड उन्होंने बना दिया है। ओके, तो आई थिंक, और उन्होंने बहुत प्रॉपरली बनाया है, ट्राइजिंग की फैसिलिटीज पूरी कर दी है, ताकि कोई भी पेशेंट अगर बहुत सीवियर आ रहा है तो उनको हम ट्राइज बेसिस पे उनको बिल्कुल एज सून एज पॉसिबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएं। इस तरह का जो प्रोविजन है ये हर सरकारी कॉलेज को तो छोड़ के, मतलब सरकारी कॉलेज में तो होना ही चाहिए। हाँ। उसके अलावा हमें प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी करना चाहिए, क्योंकि जब एपिडेमिक फैलती है तो सरकारी अस्पताल में तो वैसे ही बहुत मरीज होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें उनको भी ध्यान में रखना है कि ये संक्रमण उनको ना फैल जाए, और प्लस हमें ये भी देखना है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो पेशेंट जा रहे हैं उनको भी ना फैले, और इसलिए हमें एक आइसोलेशन वार्ड, एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बनानी चाहिए और उस तरह से आइसोलेशन वार्ड क्रिएट करने चाहिए। प्लस अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक, वो भी आज ही आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, दे हैव स्टॉप्ड बायोमेट्रिक, जो भी जो जिस हॉस्पिटल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रही है वो बंद कर दी गई है। तो ये भी एक प्रोटेक्टिव मेजर है। और साथ में मीडिया में बहुत सी, मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी हैं, तो लोग उससे भी और ज्यादा डर जा रहे हैं। लेकिन उन सब चीजों को फॉलो नहीं करना है, बस आई थिंक एक जो अलर्ट रहने की जरूरत है। हाँ, अलर्ट रहे, एक ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑथेंटिक गाइडलाइंस को फॉलो करें। जी जी सतीश जी। जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी में अभी यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जो वहाँ के जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं वहाँ पर ये कर दिए, सारी चीजें लागू कर दी गई हैं, और टीम भी एक गठित कर दी गई है। वहाँ पर आईडीएच है, वहाँ पर हमारा स्वाइन फ्लू वार्ड एक अलग बना हुआ है, एक डेंगू वार्ड अलग बना हुआ है, और हमारा एक कोरोना वायरस वार्ड भी अब एक नया हमने बना लिया है। वहां पर हमने जो है 3 वेंटिलेटर और जो है 3 क्या कहते हैं गैस सिलेंडर्स में रखवा दिए हैं, और जो है हमारे 12 बेड हमने सिलेक्ट करके रख दिए हैं, और हमने जो है बाईपाइप मशीन्स भी, जिसकी जरूरत पड़ सकती है वहां पर, हमने उसके भी 3 रखवा दिए गए हैं, और पूरी टीम हमारी ऑलरेडी वहां रेडी है। जैसे ही कोई पॉजिटिव पेशेंट पाया जाएगा हम फौरन उसको वहां आइसोलेट कर लेंगे, हम पहले से इस चीज के लिए रेडी है। मतलब किसी भी तरीके से आप चूक नहीं करना चाहते हैं, और इस समय शीतल जी, क्योंकि वायरस इतना ज्यादा इफेक्टिव और तेजी से बढ़ रहा है, इससे यहाँ पर आप लोगों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसा नहीं कहेंगे कि आज ही डॉक्टर्स का रोल
पहले से ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जीवन देने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जितना मरीज को एक्टिव होने की जरूरत है और लोगों को एक्टिव होने की जरूरत है, यहाँ पे डॉक्टर्स को भी उतना ही ज्यादा एक्टिव और अलर्ट रहने की जरूरत है। शीतल जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये तो हम सबकी एक जितने भी डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको कम्युनिटी में उनको आगे आके लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, मिस गाइडेंस जो हो रहा है उसको बचाना पड़ेगा। और जो लोग अभी तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आज मैंने न्यूज़पेपर में भी देखा कि कुछ लोग कम्युनिटी के भी आके कर रहे हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके का बिल्कुल बहुत जरूरी है। एंड रोज सरकार की तरफ से भी आप देखिए तो IDSP की स्ट्रेंथनिंग है, IDSP में हम लोग बिल्कुल स्ट्रेंथनिंग वे में जो डेली मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। यह रैपिड रिस्पांस टीम का गठन हो चुका है स्टेट लेवल पे, वो भी डेली की मीटिंग कर रही है, अपडेट कर रही है। तो आपको एडवाइजरीज को फॉलो करना है और ये एडवाइजरीज जैसे कि सर राजेश जी ने बताया है वो आपको हर जिस भी माध्यम से लोगों तक कनेक्ट करा जा सकता है कनेक्ट करें, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उन तक। ठीक है राजेश जी, इसके लिए कोई स्पेशल योगा है क्या, कि कोई स्पेशल योगा है जिससे लोग इसको करें तो बच सके, ऐसा कुछ? हालांकि हमारे पास योगा एक्सपर्ट होना चाहिए लेकिन सॉरी हमारे पास योगा एक्सपर्ट नहीं आ पाए हैं हमारे पैनल में, लेकिन कुछ हो सकता है क्योंकि डॉक्टर हैं आप, तो हो सकता है कि कोई योगा इसके लिए, इस वायरस से बचने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए कोई स्पेसिफिक योगा कुछ हो जो आप बता सके? श्रुति जी, जो प्राणायाम होता है जो अनुलोम विलोम है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। श्रुति जी आपको जान के हैरानी होगी कि जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसके जो फेफड़े होते हैं अगर उसको आप फैलाएंगे अलग अलग करेंगे तो उसका सरफेस एरिया इतना बड़ा होता है कि एक बड़े फुटबॉल स्टेडियम को कवर कर सकता है। सोचिए इतना बड़ा सरफेस एरिया है। दूसरा प्राकृतिक रूप से श्रुति जी होता है कि जब हम हवा लेते हैं, सांस खींचते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारे हवा हमारे छोटे छोटे जो कोटर होते हैं जो हम एल्विलाइज बोलते हैं उनमें जाती है और उनको फैलाती है और इसकी वजह से उनकी एक सिलरी मूवमेंट भी होता है जिसकी वजह से क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। यदि किसी वजह से फेफड़े के उस हिस्से ऐसा हिस्सा जिसमें हवा नहीं जा रही है, साफ हवा नहीं जा रही है, तो वहां पे इन्फेक्शन होना शुरू हो सकता है। वो एक पोटेंशियल सोर्स काम कर सकता है जहां पे इम्यूनिटी वीक होगी और वहां से इन्फेक्शन आपके शरीर के अंदर जा सकता है। तो यदि प्राणायाम करते रहें तो उससे आपका जो श्वसन तंत्र है इसका ये पूरी तरह से मेंटेन रहता है और आपके जो श्वसन तंत्र के अंदर की जो एल्विलाइज हैं उनमें एयर अच्छी पहुंचती है और आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। ठीक है, तो हमारे साथ सारे डॉक्टर्स का जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए कोरोना के कोहराम पर बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि कोरोना का कोहराम जरूर है लेकिन ये वायरस ऐसा है, इफेक्टिव जरूर है लेकिन अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो इस इफेक्टिव वायरस को आप पीछे पछाड़ सकते हैं। और क्योंकि और एक चीज और है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मनिर्भरता जो है किसी के ऊपर वो थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि और होली का त्यौहार भी उसको जरूर मनाइए, खुशी के साथ मनाइए, डर की जो भावना है उसे थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर लीजिए और अपने होली के पर्व को खुशी से मनाइए। फिलहाल इसमें अभी इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। शौचालय नहीं तो